बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सिरमौर जिला मुख्यालय नाहर में आज यूनिवर्सिटी का CUCET लॉन्च किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर RS बाबा मीडिया से रूबरू हुए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वाइस चांसलर डॉक्टर RS बाबा ने कहा कि इस टेस्ट को पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में जिस भी विषय में कोई छात्र दाखिला लेगा वह 100% छात्रवृत्ति के लिए पात्र माना जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे विषय है जिनके लिए यह टेस्ट पास करना अनिवार्य है, जिसमें मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, MBA, फार्मेसी और नर्सिंग आदि कोर्स शामिल है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष करीब 39 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति पर यूनिवर्सिटी द्वारा व्यय की जाएगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का दावा है कि इस यूनिवर्सिटी में हिमाचल प्रदेश के पढ़ाई कर चुके कई छात्र मौजूदा समय में कई नामी कंपनियों में अच्छा पैकेज हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले करीब 600 छात्रों की प्लेसमेंट हुई है। हम यहाँ आ जाए हैं नाहन में ये बताने के लिए कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे बच्चे हैं और उनमें से इस साल 600 के करीब बच्चे प्लेस हुए हैं। उनमें से कुछ बच्चे जो हैं उनको मल्टीपल ऑफर्स मिली हैं और अभी एक बच्चा यहाँ मिल के गया है जिसको 11 लाख का 12 लाख का पैकेज मिला है। एक बच्चा है जिसने 2 पेटेंट फाइल किए हैं। तो हम यहाँ आज लॉन्च कर रहे हैं CUSET, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए कोई भी विद्यार्थी जो किसी भी विषय में हमारे यहाँ दाखिला लेना चाहेगा वो 100% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए, एग्रीकल्चर में, MBA में, फार्मेसी में और लॉ में और नर्सिंग में अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो ये टेस्ट अनिवार्य है, आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज भी आप ये टेस्ट दे के 100% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके लिए करना ये पड़ेगा कि आपको CUCHD.IN हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पे CUSET की ऑप्शन है, आप CUSET में रजिस्टर करिए और ये टेस्ट जो है अभी खुल गया है। ये टेस्ट अभी से लेके 31 मई तक पहली फेज़ में खुला रहेगा, उसके बाद सेकंड फेज़ शुरू होगी जो जून में होगी। तो पहली फेज़ में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलेंगे। तो आपको करना ये है कि आपको ये सुविधा रहेगी कि आप जब CUSET में रजिस्टर करते हैं तो आप अपनी मर्जी का विषय चुन सकते हैं जिसमें आपने प्लस टू किया है। जैसे आपने आर्ट्स में किया है या कॉमर्स में या मेडिकल में या नॉन मेडिकल में, तो वो विषय आप चुन सकते हैं, उसी में आप टेस्ट देंगे। उसके अलावा फिर आप अपनी मर्जी का दिन चुन सकते हैं, अभी से लेकर के मई तक अपनी मर्जी का समय चुन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये टेस्ट अपने घर में बैठ के दे सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, लेकिन उसमें कैमरा होना चाहिए और आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए। मेरी आपको गुजारिश रहेगी कि आप उन सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जो आपको दी जाएंगी टेस्ट देने के लिए। जब भी आप टेस्ट में अपीयर होते हैं आपके मार्क्स आपको बता दिए जाएंगे। अगर आप 90% अंक ले सकते हैं या उससे ऊपर तो आपको 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 100% स्कॉलरशिप का मतलब है कि आपको एकेडमिक फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ये स्कॉलरशिप जो है ये केवल ट्यूशन फ़ी पे नहीं है, ये पूरे की पूरी सेमेस्टर फ़ीस पे है और इसकी जो अवधि होगी आपकी पूरी डिग्री होगी। लेकिन आपको 7.5 ग्रेड पॉइंट मेंटेन करनी पड़ेगी। आप किसी विषय में फेल नहीं होने चाहिए, आपके लेक्चर शॉर्ट नहीं होने चाहिए और किसी तरह की अनुशासनहीनता आप नहीं करेंगे। तो इस अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये पूरी अवधि के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा और इसकी कुल राशि जो है 45 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप हम इस साल दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।